ये है न्यूज 19, एक देश एक भाषा एक चैनल, न्यूज 19 टीवी चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूँ। नमस्कार, मैं संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, न्यूज 19 टीवी चैनल। आज न्यूज 19 टीवी चैनल आपको चाहे दिल्ली में, और दिल्ली में आज जैसे कि देख रहे हैं देश भर में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, लोग आजादी के जश्न मना रहे हैं और सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, और इसी बधाइयों के सिलसिले में न्यूज 19 आ पहुंचा है आपके सामने। देख रहे हैं महिला शक्ति के रूप में एक है, और ये मैडम कौन है, महिला कौन है, हमारे साथ क्यों बैठे हैं, और न्यूज 19 आज यहाँ पर क्यों है, तो सारा जानकारी अब तक लेके आते हैं। मैडम नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर स्वराज विद्वान, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार में सदस्य हूँ जी। और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की, पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम, ये तो अगस्त का महीना, त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया, ईद से लेकर इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन और जन्माष्टमी में आने वाला है। तो मैडम, जैसे कि अभी आपने बताया कि अनुसूचित जनजाति आयोग में आप मेंबर हैं, तो जिम्मेदारी जो आप करते हैं, आप करते हुए आपको क्या महसूस होता है? मतलब देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की मेंबर होने के नाते मैं पूरे देशवासियों का आह्वान करती हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा कि आपको कैसा महसूस होता है, मुझे इस कमीशन में आकर के वास्तव में असली जो दरिद्र नारायण है उनकी सेवा करने का मौका मिला है। और जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि नर सेवा नारायण सेवा जी जी, और जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि सबसे पहले अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिले, इस कमीशन में आकर के वास्तव में मुझे वही काम करने का मौका मिला है जो इन महापुरुषों ने कहा है जी। और ये काम पूरे देश में हमारा जहाँ भी कोई अनुसूचित जाति के भाई बहन या किसी के साथ भी कोई उत्पीड़न होता है, कोई अन्याय होता है, तो हम वहाँ जाकर के या वो हमारे पास शिकायत ला करके हम उनको न्याय देने का प्रयास करते हैं। और कई लोगों को हमने इस कमीशन के माध्यम से न्याय दिया है। अच्छा, लोग लाभान्वित हुए हैं। हाँ, लोग लाभान्वित। दिल तो कर रहा है कि काफी सवाल करूं, लेकिन आज त्योहार है, आजादी का जश्न है, और भी न्यूज 19 को और भी लोगों के पास जाना है। तो मैडम, जल्दी जल्दी एक सवाल और है कि जैसे दिल्ली में, आप दिल्ली में रहते होंगे, तो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था, न्यूज 19 की मुहिम है कि दिल्ली में महिला सुरक्षा, जबकि मैं कहूँ कि महिला सुरक्षा को छोड़िए, बच्चे दिन गायब हो रहे हैं, शहरों से अचानक गायब हो जाते हैं, लापता हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो मैं देखता न्यूज 19 देखता है महिला होने के नाते, कभी आप आते जाते हैं, तो आपको लगता है कि आप सहमत हैं दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था से? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वास्तव में महिलाओं से संबंधित जब मैं बात करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जी, और वृद्ध महिलाओं के साथ जी, और कई जगह इस तरह का वातावरण है कि जो पेंशन पे जो लोग रहते हैं सेवानिवृत्ति के बाद जो आनंद के जीवन के लिए अपने अलग जो है ऐश आराम के साथ रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों की निर्मम हत्या हो जाती है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाते हैं। वो तो मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतने कानून लाए हैं। हिंदू कोड बिल के कारण जो है आज महिलाओं में जो भी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर यदि नहीं होते तो महिलाओं और अनुसूचित जाति के संबंध में बात करने वाला कोई नहीं होता। कई कई प्रदेशों से लोग यहाँ पे रहते हैं और आज दिल्ली का माहौल बहुत खराब हो रहा है। मैं सबसे पहले लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि जन जागरूकता होनी चाहिए, लोगों में जन जागरण होना चाहिए, और स्वतः लोगों के अंदर एक संस्कार होना चाहिए। और इसके अलावा मैं दिल्ली की सरकार पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहती हूँ कि यहाँ पर बराबर इतनी घटनाएं होती है फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा, विषय को थोड़ा सा मैं बदलता हूँ, क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है, हर 50 किलोमीटर भाषा बदलती है, वेशभूषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, और खैर ये जो 2019 है ये बड़ा इतिहास में खास रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने इतना बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है, धारा 370 से जो कश्मीर को मुक्त किया है, लोगों में खुशी की लहर दौड़ रही है, थोड़ा सा धारा 370 के विषय में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, धारा 370 के विषय में आज आप भारत के ही नहीं विश्व के किसी कोने पे भी लोगों को पूछेंगे तो धारा 370
सत्तर के बारे में वो बेहिचक कहेगा। आज मोदी जी ने जो धारा 370 कश्मीर से हटाई है वो बहुत ही मतलब मैं कहूंगी कि हम पूरे देशवासी उनको बधाइयां देते हैं इस काम के लिए। पूरे देशवासी उनकी पूरी पूरी प्रशंसा हो रही है पूरे देश दुनिया में। आज कश्मीर में धारा 370 के हटने के कारण वहाँ के गरीब तबके को न्याय मिला है, वहाँ की महिलाओं को न्याय मिला है, वहाँ के दलित वर्ग को न्याय मिला है। अब वहाँ के दलित वर्ग को आरक्षण मिलेगा, बच्चे नौकरियों पे आएंगे, इलेक्शन लड़ सकेंगे और वहाँ के गरीब लोगों को देश की मुख्य धारा में जुड़ करके विकास करने के लिए वो कंधा से कंधा मिला करके देश के साथ विकास करने में अपना योगदान देंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। और धरती का स्वर्ग कश्मीर जिसको हम कहते हैं वास्तव में अब वो वास्तविक धरती का स्वर्ग बनेगा, उसका संपूर्ण रूप से विकास, अब उसका संपूर्ण रूप से विकास होगा। और मोदी जी की परिकल्पना है कि जम्मू कश्मीर जो भारत का मुकुट है उसका समग्र विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। आज जम्मू कश्मीर में जो लोग विरोध की बात करते हैं, जो विरोधाभास की बात कर रहे हैं, उनके मुंह पर ताले लग गए हैं। और मैं समझती हूँ कि कहीं भी कोई किसी तरह की कोई वहाँ अप्रिय घटना नहीं हो रही है, ना ही इसका विरोध हो रहा है, सब जगह इसका केवल और केवल समर्थन हो रहा है। ये मैं कहना चाहूंगी, मैं पूरा पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की और भाई बहनों के पवित्र पर्व रक्षाबंधन की बधाई देती हूँ और आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आखिरी चलते 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 वापस वही महिलाओं पर हमें आ रहा, एक तरफ कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई, मुक्त किया गया कश्मीर को और सम्मिलित संपूर्ण रूप से भारत का हिस्सा अभिनंदन कर लिया गया आधिकारिक तौर। अब क्या है कि अलग अलग प्रांतों से सोशल मीडिया में मैंने देखा कि जिस तरह टिप्पणियां कर रहे हैं लोग कि कश्मीरी लड़की अब भाभी होगी, ऐसे करके महिला वहां की कश्मीरी महिलाओं पर ऐसा करके अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया पर देखने को मिली, तो ये इसके पीछे में आपका कहना है क्या, करना चाहिए लोगों को ऐसा? कश्मीर की जो महिलाएं हैं लड़कियां हैं क्या उनके बारे में ऐसे अभद्र शब्द बोलने चाहिए? देखो बेटी और माँ बहन इनकी इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, इस तरह यदि वो इतनी बड़ी बात को वहाँ की रेडियो और बहनों के बारे में इस तरह की बात कर रहा है तो वो उसका निजी बयान हो सकता है, निजी राय हो सकती है, ये बहुत गलत है। मैं इस बात की बहुत निंदा करती हूँ। कश्मीर में यदि वो पत्नी देख रहे हैं अपने लिए तो वो बहने भी है वहाँ पर, वहाँ पर वो बहने भी है जो हाथों में राखी बांध करके भाइयों को जो है ऐसा आशीर्वाद देती है कि तुम देश की रक्षा करो, देश की सेवा करो। और वहाँ पर माँ भी है जो माँ भारत माता की सेवा के लिए अपने बच्चे को जन्म देती है, मातृभूमि की सेवा के लिए जन्म देती है। तो मैं समझती हूँ कि यदि इस तरह की कोई बात कर रहा है तो मैं उसको एक संकीर्ण मानसिकता का संकीर्ण मानसिकता। अच्छा एक और सवाल उभर के आ रहा है मेरे जहन में, जब आ गया तो मैं पूछ ही लेता हूँ आपका बात। निजी जो समय होता है कीमती होता है, जैसे मैंने सुना है डॉक्टर सुराज विद्वान जो कि आप जानते हैं कि SC ST कमीशन यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग में मेंबर है, सदस्य हैं। चलिए इसी साथ विदा लेते हैं डॉक्टर स्वराज विद्वान जी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज 19 को समय दिया। न्यूज 19 का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, आज इतना पूरे पूरे देश में आजादी का जश्न मन रहा है और पूरे देश में रक्षाबंधन का भी त्योहार मनाया जा रहा है और सारे लोग अपने अपने त्योहारों में व्यस्त है, फिर भी आप यहाँ तक आए, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ और पूरा पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सफर पर, न्यूज 19 को कौन सा चेहरा ऐसा मिलता है दिल्ली का, तो दिल्ली में जो सबके लिए काम कर रहा है, सबके हितों के लिए काम कर रहा है, न्यूज 19 तलाश करता है ऐसे चेहरों के बारे में, ऐसे शख्सियत के बारे में, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, लेकिन अगर लोगों के हितों के लिए काम कर रहा है तो न्यूज 19 उसका परिचय आपसे जरूर कराएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। ये है न्यूज 19, एक देश एक भाषा एक चैनल, न्यूज 19 TV चैनल।